मंत्रिमंडल में मेरे साथी लखन गंगोरिया जी, तरुण भानोट जी और आपके ही ओंकार सिंह मरकाम जी, भूपेंद्र मरावी जी, बुंदेलाल मार्को जी, हमारे विधायक डॉक्टर अशोक मस्कुले जी, हमारे शहडोल से सुनील सराफ जी, विश्वनाथ कोल जी, पूर्व अध्यक्ष माखनलाल सरिया जी, डॉक्टर नन्हे सिंह, भूतपूर्व विधायक कौशल्या गोटिया जी, सभी यहाँ उपस्थित मेरे साथीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ डिंडोरी और मंडला के साथ। और आज डिंडोरी आकर मुझे वो 40 साल पहले का समय याद आता है, 40 साल पहले का संबंध याद आता है, जब मैं सुंदरलाल उरेती के साथ एक एक ब्लॉक और बहुत सारे गांव का दौरा किया करता था। पर एक बात का मुझे दुख है कि उस समय 40 साल पहले ब्लॉक में, गांव में मैं एक बात जरूर कहता था। मैं कहता था, मेरे आदिवासी भाइयों, आपने गड्ढा खोलना सीख लिया, आपने साइकिल चलानी सीख ली, पर आपने अपना मुंह चलाना नहीं सीखा। आप जिस दिन अपना मुंह चलाना सीखेंगे उस दिन आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए एक इतिहास बनाएंगे। और आज मैं दोहराना चाहता हूं ये बात शुरू में कि आदिवासी भाइयों, आपकी संस्कृति है, आपकी संस्कृति है, आपका इतिहास है, पर एक कमी है। हमारे आदिवासी क्षेत्र के सबसे गरीब और खास करके नौजवान, जब तक आप अपना मुंह चलाना नहीं सीखोगे, आपको अपना मुंह चलाना सीखना है, तभी हम आगे बढ़ जाएंगे, आप ही आगे बढ़ पाओगे। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अपनी आवाज उठाएं। तो बहुत खुशी होती है यहाँ बहुत सारे पुराने चेहरों को देख के, जो उस समय मेरे जैसे जवान थे। ये तो बूढ़े हो गए, मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ। और ये बच्चे जो नारे लगा रहे हैं, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। बहुत बहुत खुशी होती है आप सब के बीच में आके। आज आज हम शबरी जयंती मना रहे हैं। शबरी जयंती तो मना लेंगे, पर हमारा क्या संकल्प है? आज आज कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ हो जाएगी, पर बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक महान हमारी माता शबरी माता के जयंती पर भी हम एक संकल्प लें। ये संकल्प क्या हुए? ये संकल्प जो शबरी माता हमारे मानवता, सरलता और श्रद्धा के प्रतीक थी, आज शबरी माता की जयंती में हम भी एक संकल्प लें। हम संकल्प लें कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे आदिवासी भाइयों कि जो संस्कृति है, जो इतिहास है, जो सभ्यता है, ये नई पीढ़ी भी इसे उसी तरह अपनाएगी जैसे बुजुर्गों ने अपनाया था। आज के दिन नई पीढ़ी जो है, इसकी चिंता कम करते हैं, इसकी चिंता कम करते हैं, पर उनका संकल्प होना चाहिए। सबसे महान संस्कृति हमारे आदिवासी भाइयों की है। हमारे कोई भी समाज, आदिवासी में कोई भी समाज हो, मेरे अपने क्षेत्र में हमारे बैगा हुए, कोरकू हुए, गोंड हुए, कोल हुए, विभिन्न हमारी जातियों की अपनी अपनी संस्कृति है। और यही आदिवासी समाज की शक्ति है कि आदिवासी समाज इस विभिन्नता से भी आज एक है, एक है, अपने आप को एक समाज का गिनते हैं। यही बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज ज्यादा नहीं कहना चाहता। 14 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी, 2.5 महीने तो चले गए थे आचार संहिता में और लोकसभा के चुनाव में, 11.5 महीने बचे। और इन 11.5 महीने में हमने एक शुरुआत करी। कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया, 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा,
एक ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर वन, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर वन, किसानों के साथ कौन से अन्याय नहीं हुआ। अभी उपार्जन की बात कर रहे थे, आज कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया, खजाना खाली, तिजोरी खाली, कैसे हम आगे बढ़े, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है। 14 महीने पहले जब सरकार संभाली कांग्रेस ने तो कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे किसान कृषि क्षेत्र की चुनौती। आज हमारा गरीब आदिवासी अपना उत्पादन बेचता भी है, क्या उसके साथ न्याय होता है। अभी हुंकार कह रहे थे कि हम उपार्जन का क्या करें, हम किसानों को साथ न्याय दें, कैसे सही मूल्य दें। किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है, इसका क्या उपाय है, कैसे हम एक नए नजरिए से हमारे कृषि क्षेत्र देखें। आज डिंडोरी मंडला में है क्या मजदूरी और कृषि, इसके अलावा मजदूरी तो दुख है, कितना पलायन होता है हमारे डिंडोरी और मंडला से, और कृषि क्षेत्र के साथ अन्याय। ये 11.5 महीनों में हमने प्रयास किया कि हम नया नक्शा बनाए। हमने शुरुआत करी कर्जा माफ करने की। मध्य प्रदेश की बात में अगर मैं करूं, हमने आज सुबह तक 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, और मंडला डिडोरी में तो कम किसान थे, कर्जा किसान कम थे, या कम हुआ, पर हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, कि अगर हम विकास की बात करें, हम रोजगार की बात करें, अगर पूरे मध्य प्रदेश में विकास नहीं होता, मध्य प्रदेश आगे नहीं बढ़ता, तो डिंडोरी और मंडला कैसे आगे बढ़ेगा। हमने शुरुआत करी कर्जा माफ की, हमने शुरुआत करी कि हमारे किसानों के साथ न्याय हो। इतनी अव्यवस्था, इतनी अवस्था, 15 साल जिसको मौका मिला हुआ, मुझे तो 11 महीने ही हुए, 11.5 महीने हुए, इनको 15 साल मिले थे, 15 साल मिले थे, उपार्जन की क्या व्यवस्था, हमारे मंडियों का क्या हाल। तो आज एक नई दृष्टि से, एक नई सोच से हमें अपने कृषि क्षेत्र में का इतिहास बनाना है, एक नई नीतियां लानी है। हमारा नौजवान, ये सब नौजवान यहां बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, भविष्य में देश का निर्माण करेंगे। आज का नौजवान का भविष्य अंधेरे में, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र में संभाल लेंगे, पर नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज का नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। हमारे नौजवान में अपनी सोच है, हमारे नौजवानों में एक अपना नजरिया है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है और अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहता है। ये आज नौजवान में तरफ है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ये ऐसे ही हो जाएगा, क्या ये घोषणा और नारों से हो जाएगा, ये घोषणा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। क्या नारों से हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जब तक उद्योग ना आए, जब तक ऐसी योजना नहीं आए, बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं आए जिससे हमारे नौजवानों को काम मिले, ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए यही हमारा आज प्रयास है। 14 महीनों में हमने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। मैं जाना नहीं चाहता कि हमने कौन सी योजनाएं शुरू करी, जो योजनाएं आप तक पहुंची हैं उनको ही मानता हूं, केवल घोषणाओं से नहीं। अभी मुझे ओंकार कह रहा था
कि ऐसी घोषणा कर दें। मैंने कहा था मैं घोषणा नहीं करता, मैं नहीं चाहता मैं घोषणा करूं और आप तालियां बजाएं। तालियां तब बजाएं जब आपको दिखे, आपको दिखे तब आप तालियां बजाएं। घोषणाओं पर कोई तालियां मत बजाइएगा। 15 साल शिवराज सिंह ने 12-13 हजार घोषणाएं करी थी प्रदेश में, अपने जेब में नारियल लेके घूमते थे, जहां मौका मिलता था नारियल फोड़ देते थे। ये शिवराज सिंह ने 15 साल 21 हजार नहीं पता नहीं कितनी करी, इसकी गिनती करने भी मुश्किल है। जहां जाए जहां नदी भी ना हुई कहते मैं बांध बना दूंगा, ऐसी प्रकार की घोषणाएं करते रहते थे। पर मुझे घोषणा पर विश्वास नहीं। मैं तो चाहता हूं आपका विश्वास तब बने, विश्वास मत करिएगा मुझ पर, घोषणाओं पर। घोषणाओं से तो आज सब पूरा प्रदेश परेशान है। आप तो तभी विश्वास करिएगा जब आपको दिखे, आपको दिखे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखे कि रोजगार के नए मौके बन रहे हैं, तभी आपके चेहरे में वो मुस्कुराहट आएगी। और शिवराज जी आज तो आलोचना करते हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। शिवराज जी आप तो 15 साल का हिसाब दीजिए शुरू में, 15 साल का हिसाब दीजिए जनता का, डिंडोरी आइए हिसाब दीजिए कि क्यों ये सड़कें नहीं बनी, आज क्यों ये हमारे शिक्षा क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में ये कमी रह गई। ये तो गरीब आदिवासी क्षेत्र है, हो गया होगा इंदौर में आपने बहुत कुछ कर लिया, पर हमारा डिंडोरी और मंडला में आप हिसाब दीजिए। पहले 15 साल का हिसाब दीजिए। और मेरे नौजवानों जब मैं कहता हूं मुंह चलाना सीखो, मुंह चलाइए और हिसाब मांगिए इनसे, 15 साल का हिसाब मांगिए कि 15 साल इन्होंने कैसे गुमराह किया है, कैसे झूठ बोल के हमारे मध्य प्रदेश की जनता को ठग के कैसे इन्होंने गुमराह किया। आज आप मोदी जी को भी सुनते हैं ना, मोदी जी को सुनते हैं। आपने पिछले कुछ महीनों में या कभी साल भर में सुना कि वे नौजवानों की बात कर रहे हैं? नौजवान की बात नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं करते। जो कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छोड़िए मोदी जी 2 करोड़ 2 लाख तो बता दीजिए, उसमें से 10-20 लोग आप हमारे मंडला डिंडोरी की बता दीजिए। आज नौजवानों की बात नहीं करते मोदी जी, आज किसानों की बात नहीं करते। जो कहते थे कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी, कृषि क्षेत्र में फायदे का काम बनाऊंगा, ये मोदी जी घोषणा करते थे। ये 15 लाख वाली बात, ये सब मैं क्या फिर से दोहराऊं, इससे तो आप सब ने सुन ली। आज मोदी जी किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मोदी जी जोर जोर से चिल्ला के राष्ट्रवाद की बात करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था कहां आपने ढकेल के पहुंचा दी? जब मैं कहता हूं कि निवेश आए, लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था अपने देश की इतनी खराब है कैसे हम पैसा लगाएं। मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं कि आपके पार्टी में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? कभी कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी का एक नाम बता दीजिए मोदी जी, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं रहा। और आप देश को और कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं। कैसी कलाकारी, कैसी कलाकारी, कैसे ध्यान मोड़ना ताकि आपका ध्यान मोड़ जाए, आपका ध्यान मुड़ जाए और ये गुमराह होते रहे, यही आज इनकी राजनीति पहचाननी है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इतनी गरीबी के बावजूद इतने पिछड़ापन के बावजूद आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। आपने पिछले चुनाव में डिंडोरी में आपने हमारे भूपेन को, हमारे उनकार को पर विश्वास रखा, सच्चाई देखी कि कैसा धोखा हुआ है। और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप करें सच्चाई हमेशा पहचान लीजिएगा,
सच्चाई पहचानिएगा, सच्चाई अपनाइएगा और सच्चाई का साथ दे दीजिएगा। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने, आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारे भूपेन को, हमारे ओंकार को यह जिम्मेदारी दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मुझे स्नेह और प्रेम डिंडोरी मंडला से मिला है, आप मौका देंगे, आप मौका देंगे कि हम डिंडोरी और मंडला का चेहरा बदले। डिंडोरी और मंडला के नौजवानों का भविष्य उज्जवल हुए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और डिंडोरी और मंडला को मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले हैं, मेरा अपना जिला भी है, पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता छिंदवाड़ा के बाद मैं डिंडोरी और मंडला को दूंगा। और आपने मांगे रखी है, छोटी छोटी रखी है, कुछ बड़ी रखी है, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी सच्चाई योजनाएं जब आएंगी, ये तो मैंने खुद देखा था कि योजनाएं जो किनारे पड़ी थी, जिन पर धूल लग रही थी, जिनके कागज सड़ रहे थे, इनको फिर से सामने लाकर इनको स्वीकृत कराया जाए। ये बड़ी बड़ी योजना हो या छोटी छोटी योजना हो, यहां से हमारी डिंडोरी और मंडला की आर्थिक गतिविधि बनेगी, मजदूरों को परेशान नहीं करना पड़ेगा, हमें उनको मजदूरी मिलेगी, नौजवानों को मौका मिलेगा कि वे गाड़ी लगा लें, कुछ काम कर लें, व्यवसाय के मौके बनेंगे। यही हमारा लक्ष्य है कि रोजगार तो अपनी जगह है, पर आर्थिक गतिविधि बने, आर्थिक गतिविधि जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल होए। मुझे पूरा विश्वास है, जो आपने प्यार और विश्वास मुझे दिया है, जो आपने मुझे बल और शक्ति दी है, ये बल और शक्ति से हम मिलकर, मैं भूपेंद्र ओंकार को कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि मुझे से कहकर, मुझे दबाकर मुझे चिंता नहीं होगी। आपको दिखता मुझे दबाना है, दबाइएगा, मेरे पास तो विभिन्न समस्या है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि अगर मेरा कुर्ता पकड़ के खींच कर आपको करना पड़े, आप हमारे डिंडोरी और मंडला में मेरे साथी बनेंगे, हम एक नया इतिहास बनाएंगे। और आप जो मुझे शक्ति देंगे, मैं तो यही कहना चाहता हूं, हमने वचन दिया है, हम डिंडोरी और मंडला मध्य प्रदेश की जनता को धोखा नहीं देंगे, ये 15 साल का ये इतिहास बदलेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के बाद जितने नर्तक दल है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी का नाम अध्यक्षों का लिख लेना, सबको आप लोगों को सहयोग राशि दी जाएगी, जिला प्रशासन सबका नाम नोट कर लेंगे। धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में भी बहुत सारी चीजें बाकी है। मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका लाभ हितग्राहियों को दिया जाता है। हम आज सांकेतिक रूप से केवल 10 हितग्राहियों को यहां पर प्रमाण पत्र और मिलने वाली राशि या वस्तु को सांकेतिक रूप से सौंप रहे हैं। सबसे पहले कृषि विभाग द्वारा संचालित जय किसान फसल माफी योजना, जिसके अंतर्गत डिंडोरी जिले के प्रथम चरण में 13,612 किसानों को 27,69,00,000 रुपए वितरित किए गए हैं। द्वितीय चरण में 2,911 किसानों को 10,50,00,000 रुपए का वितरण जारी है। इस प्रकार कुल 38,19,00,000 रुपए वितरित किए गए हैं दो चरणों में। मैं केवल 3 हितग्राहियों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री काशीराम मार्को जी कचनारी से आपको 1,00,000 रुपए की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत यह राशि दी जा रही है। दूसरा नाम है गोविंद सिंह मरावी, ग्राम चांदना करंजिया, आपको 1,65,511 रुपए की राशि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। ये राशि
जो आपकी बकाया थी उसमें से माफ की गई है। श्री काशीराम मार्को जी 1,00,000 रुपए और श्री गोविंद सिंह मरावी जी 1,65,511 रुपए। तीसरा नाम है संत कुमार ठाकुर जी ग्राम पालकी 98,803 रुपए की राशि आपकी माफ की गई। इसी के तहत कृषि उपकरण पर मध्य प्रदेश शासन अनुदान देता है। श्री माधव सिंह ग्राम उदरी आपको 2,50,000 रुपए ट्रैक्टर के लिए अनुदान मध्य प्रदेश शासन की ओर से दिया गया है। संपत लाल जी पड़दिया से आपको 2,50,000 ट्रैक्टर के लिए अनुदान मध्य प्रदेश शासन की ओर से दिया गया है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम डिंडोरी योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। श्री दिनेश जी घुटेना बुतनवाहा से आपको 7,72,000 रुपए दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। इसी के साथ आदिवासी विभाग डिडोली योजना है मुख्यमंत्री मदद